नियुक्ति नहीं मिलने से परेशान है। भोपाल में 5 दिनों से चयनित टीचरों का आमरण अनशन लोक शिक्षण संचालनालय के सामने जो है किया जा रहा है। कई चयनित शिक्षकों की तबीयत बिगड़ चुकी है, सरकार ने अभी तक इनकी सुध नहीं ली है। तो कई टीचरों की शिक्षकों की जो है वो तबीयत खराब हो चुकी है। आमरण अनशन पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं शिक्षक हैं, बताया जा रहा है कि सरकार ने अभी तक इनकी कोई सुध नहीं ली है। एमपी में आंदोलन की राह पर अब चयनित शिक्षक जो हैं वो चल पड़े हैं। 5 दिनों से हड़ताल पर हैं ये, और अब कई लोगों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है क्योंकि आमरण अनशन पर चयनित शिक्षक जो हैं वो बैठे हुए हैं। कई लोग बीमार पड़ चुके हैं और इस पूरे मामले पर जिम्मेदार अधिकारी अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। तो बताते चले कि लगातार 5 दिन से चयनित शिक्षक आमरण अनशन कर रहे हैं और अब इनकी तबीयत बिगड़ने लगी है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से एक दूसरे को ढांढस बंधाते हुए और एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए जो शिक्षक हैं वो नजर आ रहे हैं। तो कई चयनित शिक्षकों की तबीयत भी बिगड़ गई है क्योंकि आमरण अनशन पर अभी 5 दिन से जो शिक्षक हैं वो बैठे हुए हैं। यो वो शिक्षक हैं जो चयनित हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी आगे की राह क्या होगी इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है। और स्पष्टीकरण दे भी कौन जब जिम्मेदार अधिकारी ही चुप्पी साधे हुए हैं। 5 दिन से शिक्षक आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी ने जाकर के या फिर किसी सरकार के आइंदे ने जाकर के इनकी सुध नहीं ली है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में चयनित शिक्षक परेशान हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन शिक्षकों की अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई। मजबूरन शिक्षक अनशन पर बैठ गए और सरकार से नौकरी की गुहार लगा रहे। भोपाल में चयनित शिक्षक लोक शिक्षण संचालनालय के सामने 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन फिलहाल इनकी अब तक किसी ने भी कोई सुध नहीं ली। प्राथमिक शिक्षक 2020 भर्ती परीक्षा के चयनित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। बीते 5 दिन से भूख हड़ताल जारी है, आमरण अनशन चल रहा है, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि अब तक मिलने नहीं पहुंचा है। चयनित शिक्षक जो परीक्षा पास कर चुके हैं उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। हालत यह है कि 3 दिव्यांग शिक्षक भी आपको यहां पर आमरण अनशन पर दिखाई देंगे और कई जो शिक्षक आमरण अनशन के हैं वो अभी भी देखिए बेहोशी की हालत में है, लेकिन सरकार का एक नुमाइंदा अब तक ना तो इनसे मुलाकात करने पहुंचा है ना ही बातचीत की गई है। क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे प्राथमिक शिक्षक हैं जिन्हें नियुक्ति का इंतजार है लेकिन पद नहीं है, इसलिए 51,000 पदों पर वृद्धि की लगातार मांग की जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ये दावा कर रहा है कि लगातार भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इन दावों की हकीकत देख सकते हैं कि चयनित शिक्षक जो हैं वो आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर हैं। अगर इनके साथ कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? चयनित शिक्षकों से बातचीत भी करेंगे। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में जो कि 12 वर्षों बाद निकले 51,000 पदों के साथ पूरी की जाए, यही मांग है। अभी कितने पदों पर हो रही है? लगभग 25,000 के आसपास पदों पर भर्ती निकाली गई है, बाकी पद पर भर्ती जारी करके 51,000 की मांग कर रहे हैं। चयनित कितने हुए थे? लगभग सर 1,94,000 से शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं परीक्षा में जो आयोजित हुई थी उसमें। ये कब पास की थी आप लोगों ने? जी सर 2022 मार्च में परीक्षा हुई थी, अगस्त में रिजल्ट आया था। 2023 आ गए, अब तक नियुक्ति को कोई रास्ता साफ नहीं हुआ है? जी नहीं। कोई बातचीत हुई सरकार के प्रतिनिधियों से, सरकार से, मुख्यमंत्री से? जी हमने अपना ज्ञापन एसीपी साहब के माध्यम से सीएम हाउस में पहुंचाया था कि हमें मिलने के लिए समय दिया जाए 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को, लेकिन उसका अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया। जब तक जवाब नहीं आता हम लोग यहाँ पर तक बैठेंगे यहाँ पर, जब तक कि वहां से जवाब नहीं आता। देखिए जब तक जवाब नहीं आता तब तक आमरण अनशन पर बैठेंगे। ये जो सदस्य आपको दिखाई दे रहे आमरण अनशन पर बैठे हुए, आप लोग आमरण अनशन पर बैठे? जी हम आमरण अनशन पर, हमको 90 घंटा हो गया है, हमने खाना नहीं खाया है, लेकिन देखिए आप पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी गई हो। हम देहात के लोग हैं तो हम कुछ भी बोल देते हैं तो पुलिस पकड़ जाती है मेरे शब्दों को। 1,00,000 से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो चयनित हुए हैं, सरकार ने परीक्षा कराई थी। क्या मैम आमरण अनशन पर हैं? जी सर। तो अभी कैसी है तबीयत? तो नहीं खराब है सर, उनकी बहुत ज्यादा सीरियस है, वो पेट में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं और सीने में भी दर्द है सर। कोई बातचीत हुई अभी तक किसी प्रतिनिधि से? डीपीआई से कोई मिलने आया? कोई बातचीत की सर? डीपीआई से कोई नहीं आया है ना कोई तो क्या करें, डीपीआई के आयुक्त से कोई बातचीत? सर अभी उनसे भी किसी टाइप की कोई, क्योंकि वो बात ही नहीं करते ना, कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। परीक्षा होती है, 1,00,000 से ज्यादा शिक्षक चयनित होते हैं, लेकिन उनके नौकरी का
कोई रास्ता नहीं है। सरकार का दावा है कि अगस्त तक 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती होगी, लेकिन 1 लाख से ज्यादा तो चयनित शिक्षक ही हैं। आखिर इन्हें कहां रखेंगे? इनकी मांगों पर कब तक विचार? चयनित शिक्षकों का कहना है कि प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से मिलने का समय मांगा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, मजबूरन वो अनशन पर बैठ गए। इसके साथ ही शिक्षकों का कहना है कि जब तक 51,000 पद वृद्धि नहीं की जाती, उनका धरना जारी रहेगा। देखना होगा कि सरकार कब इन शिक्षकों की ओर ध्यान देगी। आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। और ज्यादा जानकारी लेंगे आकाश द्विवेदी, जी मीडिया संवाददाता, मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अभी। आकाश, चयनित हो गए लेकिन नियुक्ति नहीं मिल पाई अभी तक, लिहाजा मजबूरन, क्योंकि 2-3 साल हो चुका है अब इस बात को, तो मजबूरी में उन्हें आमरण अनशन पर बैठना पड़ गया और कुछ लोग बीमार भी पड़ गए हैं, अभी की क्या स्थिति है वहां पर? नौकरी की गुहार लगा रहे हैं लोग, शिक्षण संचालनालय के सामने आमरण अनशन पर शिक्षक बैठे हैं, लेकिन सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। ये शिक्षक 12 साल तक भर्ती प्रक्रिया का इंतजार करते रहे। आखिरी बार 2011 में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हुई थी, 2023 पहुंच चुका है, लेकिन शिक्षक भर्ती अब तक पूरी नहीं हो सकी है। देखिए, 1,90,000 से ज्यादा शिक्षक जो हैं वो परीक्षा में चयनित होते हैं, लेकिन भर्ती कितने पदों पर शुरू होती है? 18,527। 1,93,000 चयनित, 18,527 पर भर्ती प्रक्रिया। चयनितों को जो लेटर जारी होते हैं वो 12,000 के आसपास हैं। आखिर और जो 1 लाख से ज्यादा चयनित शिक्षक हैं वो कहां जाएंगे? आखिर सरकार इन्हें कैसे नौकरी देगी? शिवराज सरकार का दावा है कि अगस्त तक 1 लाख पदों पर भर्ती करेंगे, लेकिन 1 लाख से ज्यादा तो चयनित शिक्षक ही हैं। आखिर इन शिक्षकों की मांगों को कब पूरा किया जाएगा? क्या ये जब ओवर एज हो जाएंगे तब सरकार उन पर विचार करेगी? 51,000 पद वृद्धि की मांग है कि 51,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, उसे बढ़ाया जाए, और इसी मांग को लेकर ये शिक्षक लंबे समय से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आकाश, एक तरफ सीखो कमाओ योजना के जरिए 8 से 10 हजार रुपए देने का वादा किया जाता है, दूसरी तरफ अलग युवाओं के लिए अलग से बजट आता है, तीसरी तरफ बोला जाता है कि भर्तियां की जाएंगी, लेकिन तस्वीरें देखिए सारी हवा में उड़ती हुई योजनाएं फिलहाल की नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। हरदा में आदिवासियों की जमीन घोटाले को लेकर राजस्व विभाग की टीम थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। 7 गांवों में आदिवासियों की करीब 51 हेक्टेयर जमीन का नामांतरण रसूखदारों ने अपने नाम करा लिया था। इस जमीन घोटाले में 6 पटवारी, 11 खरीदार शामिल हैं। वहीं जमीन खरीदारों में 4 महिलाओं के नाम भी सामने आए हैं। राजस्व विभाग की प्राथमिक जांच में राजस्व रिकॉर्ड में छेड़छाड़ और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नामांतरण करना पाया गया। धोखाधड़ी से फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने की साजिश रची गई। हंडिया तहसील के 7 और हरदा तहसील के 1 गांव में आदिवासी एससी वर्ग के लोगों की कृषि भूमि को फर्जी हस्ताक्षर से नामांतरण करा दिया गया था। वहीं दस्तावेजों में हेराफेरी पाए जाने पर एसडीएम महेश कुमार ने 5 पटवारियों को अब जाकर सस्पेंड किया है। हंडिया वाले मामले में जांच हुई है, पटवारी द्वारा कूट रचित दस्तावेजों में जो आदिवासियों की जमीन है वो बिना सक्षम अनुमति से अन्य समाज के लोगों को में कर दी गई है, तो उसमें 6 पटवारी और 11 अन्य लोगों पे एफआईआर दर्ज करने के लिए तहसीलदार को भेजा गया है। मूल दस्तावेज लेके वो तहसीलदार यहाँ आए सिविल लाइन थाने में। हंडिया तहसील में आदिवासियों की जमीन के मामले में अब बड़ा मामला सामने आ गया है। वे डॉक्यूमेंट्स और कागजातों की पड़ताल करने के बाद में अब राजस्व विभाग के अधिकारी हरदा के सिविल लाइन थाने में पहुंचे हैं। मैं सीधे आपको बताऊं कि ये थाना है जिसमें करीब 2 घंटे से राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स एवं कागजात है उनका यहाँ व्यवस्थित जांच पड़ताल चल रही है। जांच पड़ताल होने के बाद में जो राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि 6 पटवारी एवं अन्य जो लोग हैं उनके खिलाफ सिविल लाइन थाने में मामला पंजीबद्ध करवाया जाएगा। इसी को लेकर राजस्व विभाग के अधिकारी हरदा के सिविल लाइन थाने में पहुंचे हैं, वो पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। हरदा से अर्जुन सिंह देवड़ा, जी मीडिया, हरदा।
जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हरदा से टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अर्जुन देवड़ा। अर्जुन, एमपी में कहीं से तस्वीरें आ रही हैं कि आदिवासियों को चप्पलों की माला पहनाई जा रही है, कहीं से अमानवीय कृत्य की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो कहीं पर मारपीट की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन हरदा से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद डरावने वाली हैं। आखिर हरदा में आदिवासियों की जमीन पर कौन नजर गड़ाए बैठा है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये मामला अभी सामने आया है। हरदा के जो छह गांव के किसान हैं, लगभग के 127 एकड़ का पुआ जमीन का मामला है जो आदिवासियों को इंदा सरकार के दौरान दी गई थी। इन जमीन पर जो आदिवासी लोगों को इसलिए दी गई थी कि ये जो अपना जीवन यापन कर सके, अपना परिवार को चला सके, इसलिए इंदा सरकार ने इन लोगों को ये जमीन उपलब्ध करवाई थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद में जो ओबीसी समाज के जो लोग हैं, वो दमंग लोग हैं, उन्होंने इन जमीनों पे कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद में कुछ पटवारी से साठगांठ में शामिल हो गए और करोड़ रुपए की जो जमीन है, 127 एकड़ की जमीन है, उनको फर्जी तरीके से जो आदिवासियों का नाम हटाकर ओबीसी समाज के लोगों को, जो दमंग लोग हैं, उनके नाम इसमें चढ़ा दिए गए। वो पूरा मामला जब सामने आया है तो अब जो छह पटवारी जिन्होंने पूरा घोटाला जमीन का किया है, उनके खिलाफ भी मामला पंजीवत की तैयारी कर ली गई है। अभी सिविल लाइन थाने में पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। मुंबई एसडीएम जो है हरदा के, उन्होंने छह पटवारियों को सस्पेंड कर दिया है। पूरे मामले में जांच पड़ताल चल रही है। करीब दो घंटे से सिविल लाइन थाने में राजस्व विभाग की टीम अभी है और पुलिस विभाग के जो कर्मचारी है वो पूरे कागजातों को बारीक से देख रहे हैं। वो पूरे मामले में आज शाम या रात में जो छह पटवारी हैं उनके खिलाफ मामला पंजीवत हो जाएगा। साथ ही अन्य जो लोग हैं जिन्होंने ये जमीन धोखाधड़ी से खरीदी है, उनके खिलाफ भी मामला पंजीवत करने की तैयारी कर ली गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अर्जुन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मेरी लाडली बहनों,